और क्या इसका नाम दे दूं, बहुत ज्यादा हैंकर है, सेवन जावा स्क्रिप्ट डॉट एचटीएमएल सेव हो गया एचटीएमएल टैब सेव जावा स्क्रिप्ट, राइट क्लिक करके कॉपी फाइल पाथ कर लूंगा, ब्राउजर ओपन करके मैं पेस्ट करके रन कर दूंगा ब्राउजर में। तो अभी तो कुछ नहीं आएगा, कुछ मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, स्क्रिप्ट लूंगा और स्क्रिप्ट में आ जाऊंगा। तो हमने कल इफ देख लिया था, इफ हमने कल देखा था, आज कुछ और काम कर लेते हैं। इफ में भी एक दो उदाहरण और कर लेते हैं, जैसे हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा था, तो कुछ कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट वगैरह करें। लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर का इम्प्लीमेंट करने से पहले इफ तो हमने देखा, पर नेस्टेड इफ नहीं देख पाए थे हम लोग, तो आज जो है नेस्टेड इफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड से क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैं नॉर्मल इफ का ब्लॉक ओपन किया, क्लोज कर दिया, अब क्या मैं चाहता हूं कि इफ का जो ब्लॉक है इसके अंदर भी कुछ मेरा कंडीशन हो, इसके अंदर भी मैं कुछ कंडीशन चेक करूं। तो क्या करूंगा, मैं इसके अंदर भी एक इफ लिखूंगा और ओपन क्लोज कर दूंगा ब्लॉक। ये हो गया आउटर बाहर का इफ और ये हो गया इनर इफ। तो यहां पे क्या हुआ, इफ के अंदर इफ चला गया, तो इसीलिए इसको कहा जाएगा नेस्टेड इफ। यहां पे मैं एल्स अगर दे देता तो ये एल्स हो जाएगा, एल्स को थोड़े देर में देखेंगे हम लोग। तो एक छोटा सा जो है एप्लीकेशन बना के देखते हैं, एप्लीकेशन मैं कह रहा हूँ वो गलत हो जाएगा, एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो भारतीय संविधान के आधार से वोट वही दे सकता है जो जिसका उम्र 18 साल हो या उससे ऊपर हो। अब मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ कि वोटर आईडी भी होना जरूरी है या फिर जो है, मैं सिर्फ एज का बात करूंगा यहाँ पे। तो हमको ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जिसमें कि बंदे से उम्र पूछा जाएगा और वो उम्र बता देगा, तो वो उम्र उसका अगर 18 साल है या ऊपर है तो हम बोल देंगे आप वोट दे सकते हैं, परंतु अगर नीचे है तो नहीं दे सकता वोट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको नॉर्मल इफ से बनाता हूँ, फिर बाद में मैं नेस्टेड इफ से बनाऊंगा। तो वेरिएबल एक बना लूंगा, तो लेट इज इक्वल टू 10, जो आएगा वोट देने उसे एज हम पूछेंगे और एज कहाँ रखेंगे, एज नाम के वेरिएबल में। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिख दूंगा 18, 18 के लिए भी यहां पे हम ले सकते थे एक वेरिएबल वोटर एज के नाम से, अंडरस्कोर एज के नाम से 18, पर मैं नहीं लिखता हूं, आप लिख के ट्राई करिएगा आप लोग, राइट 18 हो गया। तो कानून क्या है, व्यक्ति का उम्र या तो 18 हो या तो 18 से ऊपर होना चाहिए, मतलब 18 ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक 18 से बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए क्या एज, तब क्या हो सकते, तब क्या होगा, तब बंदा वोट दे सकता है। तब क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे मैं लिख दूंगा
आप वो ले सकते। तो उम्र क्या है इसका? 10 साल। मैं प्रोग्राम को रन करता हूं, यहाँ पे रन कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया, इंस्पेक्ट खुल गया मेरा। थोड़ा टाइम लेगा खुलने में क्योंकि मेरा सिस्टम स्लो है। थोड़ा खुल गया मेरा कंसोल। कंसोल पे यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या आ गया, आप वोट दे सकते हैं। अब कैसे ये बोल रहा है कि आप वोट दे सकते हैं? 18। मैंने कंडीशन गलत लिखा है क्या? देखिए मैंने यहाँ पे कंडीशन जो है गलत लगाया है, ठीक है। यहाँ पे 18 ग्रेटर देन इक्वल टू एज करा है मैंने, ठीक है। मतलब 18 से एज जो है, 18 जो है बड़ा होना चाहिए किससे? एज से। तो हमें क्या करना चाहिए, कंडीशन को उल्टा करूंगा, सीधा क्या लिखूंगा नॉर्मल शब्दों में, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ऐसे लिख दूंगा, सिंपल सी बात है, तब वोट दे सकते हैं। उम्र क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए किसके? 18 के। तो हमारा ये कंडीशन पूरा तरीके से काम करेगा, आप वोट दे सकते हैं। अब उम्र को मैं क्या कर देता हूं, 18 कर देता हूं। देखिए 18 कर दिया तो भी वोट मैं दे सकता हूं, लेकिन यही क्या करूंगा मैं, 10 कर दूंगा। 10 जैसे ही मैंने किया तो क्या हुआ, ये तो कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या चाहता हूं कि कंडीशन जब फॉल्स हो जाए तो कुछ चले, फिर भी कुछ मैसेज आए, तो इसके लिए क्या करते हैं, एल्स लिखा जाता है। अब मैं यहां पे एल्स में लिख दूंगा, आप वोट नहीं दे सकते, आप वोट नहीं दे सकते, इस तरह से। अब क्या होगा कि कंडीशन जब फॉल्स होगा तो भी जो है हमारा चलेगा, और यहां बोलेगा आप वोट नहीं दे सकते। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या आएगा, पर मुझे एक समस्या है इस प्रोग्राम को देख करके। मान लीजिए उम्र कर दिया मैं 110, तो माना जाता है कि इंसान का उम्र 100 साल होता है, अब आज तो 80 साल तक 60 साल में टपक जा रहे हैं, मरने का कोई वो नहीं होता। अब 101 साल मैंने कर दिया, फिर भी ये बोल रहा है कि वोट दे सकते हैं, ये सही नहीं है। तो अब मैं क्या चाहता हूं कि इस इफ ब्लॉक के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर एक और कंडीशन चेक करें। सबसे पहले चेक करें 18 साल से बड़ा तो है, उसके बाद फिर नीचे क्या चेक करें, फिर नीचे चेक करें, क्या चेक करना है, एज लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए किसके, 100 के। बंदा अगर 100 साल का है या उससे छोटा है तभी वोट दे सकता है। तो मैंने इसको क्या करा, आ गया यहाँ पे और प्रिंट कर दिया। तो मैं आता हूं ऊपर और प्रोग्राम को चला देता हूं। यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए प्रिंट। अब मैं कर देता हूं इसको 100 साल का। अब क्या होगा, अब मेरा जो है प्रोग्राम चल जाएगा, आप वोट दे सकते हैं। लेकिन वही 10 साल का कर दूंगा तो वोट नहीं दे पाएगा, ए वाला जो है ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। पहले प्रोग्राम आएगा यहाँ पे, चेक करेगा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो 10 है, यहाँ पे इंटरनली 10 आ जाएगा ना, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स जैसे ही होगा तो इस वाले का इफ का एल्स ब्लॉक चलेगा, इस इफ का एल्स ब्लॉक चलेगा और कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, ये लाइन प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट हो गया, ये लाइन नहीं दे सकते, परंतु इसको मैं 18 ही कर दूंगा। तब क्या होगा, ए वाला कंडीशन ट्रू होगा, फिर यहाँ पे चेक किया जाएगा, यहाँ वाला भी कंडीशन ट्रू हो ही जाएगा, तब ए वाला चलेगा। लेकिन उम्र जब बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, 108 साल हो जा रहा है, तब क्या होता है,
यहाँ पे हमारा कंट्रोल आता है और यहाँ पे क्या चेक करता है, 108 108 लेस देन इक्वल टू 100, ये कंडीशन फाल्स हो जाता है, इसीलिए इसके बाद कुछ नहीं चलता। तो इसके बाद भी कुछ चलना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एल्स ब्लॉक लिख देंगे और यहाँ पे मैसेज दे देंगे क्या मैसेज दे दें, एक्सपायर कर गया, एक्सपायर बोल देंगे, बंदा तो टपक लिया है, वोट कौन देगा, तो ये एक्सपायर कर गया। चलाते हैं प्रोग्राम, देखते हैं आता है या नहीं एक्सपायर हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया, एक्सपायर हो गया। तो ये कहलाता है नेस्टेड इफ एल्स। एल्स के अंदर भी हम कुछ कंडीशन दे सकते हैं, पर मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, आने वाले समय में हम कुछ प्रोग्राम और बनाएंगे तो उसमें जो है एल्स के अंदर भी कुछ इफ का कंडीशन लगाएंगे। या फिर मान लीजिए कि मैं इस इफ को डाल सकता था इस वाले नीचे वाले एल्स में, पर मैं नहीं करता हूँ, कंफ्यूजन वगैरह होगा, मैं इतने ही रहने देता हूँ। तो ये जो है नेस्टेड इफ एल्स हमारा हुआ। इसी तरह का और भी उदाहरण हमें देखने का जरूरत है, तो आप लोग देखिएगा और उदाहरण इसी तरह का, ताकि और जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हमारा। तो क्या कहते हैं आप, आगे चला जाए ना चला जाए, कल देखते हैं कल। चलिए ठीक, चलिए शुभ रात्रि आपको भी, हम भी सो जाते हैं। ओके, गुड नाइट।